दोस्तों आज हम करेंगे हाउस हंटिंग विद द क्रू। ये है हमारे रियल एस्टेट एजेंट करण भतीजा। ये है BFSS के बैक एंड हेड मयंक कौशल। और ये है हमारे व्यूज ऑफ द व्लॉग्स के पर्पसेस। संजीत जी, हम क्या करने जा रहे हैं? हाउस हंटिंग करने जा रहे हैं। आज वी आर फाइंडिंग द नेक्स्ट BFSS ऑफिस कम मेरा खुद का घर। ये है करण भतीजा, मेरे बचपन के दोस्त। हम हिंदी ट्यूशंस के लिए साथ में जाते थे और अब हम हाउस हंटिंग साथ में कर रहे हैं। करण भतीजा जी, अब क्या करते हो? मैं रियल एस्टेट कंसल्टिंग और ब्रोकरेज के बिजनेस में हूँ। मेरे डैड ने ये बिजनेस 15 साल पहले शुरू किया और मुझे ज्वाइन करके अभी 5 साल हो गए हैं। Asthan Tarani, can you all say something so we get views again? I would say I love a good road trip since we are going so far. I love that. I feel both Asthan and Tarani weren't loved as children. Like that. We are very loved. We are just forced to be a part of this vlog. For views, that's all. Listen. So, dosto, pehli location. Let's go. Yahan pahunche hain. Let's see. So, this is the first space. Team aa gayi hai. We're scanning in terms of logistics ki kya hoga, kahan hoga. और बेसिकली अगर आप यूट्यूबर हो, आपको अलग अलग वाइब्स बनानी है एक ही लोकेशन में। यही आई एम इन अ वेरी लॉजिस्टिक जोन विद भव्य एंड संच, क्योंकि आइडियली यहाँ दो लोगों को रहना पड़ेगा विद मी। ओके, वी विल बी देयर। थैंक्स आइडिया भी बता रहे हैं। थैंक यू फॉर द इनविटेशन। आई एम एक्चुअली इन लव। आई थिंक आई फाउंड द प्लेस। दिस इज अ ग्रेट लोकेशन यार। This honestly can be a nice area too. You know, like a nice chill area. Do it up so we have unlimited backgrounds for photos and all of this. I think we found it, dude. Okay, so एक flat देख लिया। Mayank, Karan और Sanj. केवल 4 लोग अलाउड है अगले फ्लैट में, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सक्लूसिव बिल्डिंग है। रणवीर ने हमें यहाँ रास्ते पे छोड़ दिया है, बिकॉज़ और वो भी धूप में छोड़ दिया है हमें, इसलिए हम अपना फेस कवर करते हैं। बट हाँ, हमें उसने रास्ते पे छोड़ दिया है क्योंकि उसे जाना था नए घर देखने और उस घर में हमें एंट्री नहीं है, तो उसने हमें छोड़ दिया है। तो अब हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट खाना खाने, जहाँ पे वो लोग हमें ज्वाइन करेंगे। क्या सोच रहे हो संचित जी? मैं ये सोच रहा हूँ कि जितना रणवीर ने आप लोग को हाइप किया था ना कि हम गोवा चले जाएंगे, मड आइलैंड चले जाएंगे, वो सब हाइप ही रह गया। क्या आप सही में गोवा मूव हो रहे हो कि ये हाइप वाला डिसीजन है? नहीं, सही में गोवा मूव हो रहे हैं। अब हम 3 महीने के बाद देखते हैं। ये भी काफ़ी सही घर है, बट वाइब नहीं बैठी अकॉर्डिंग टू मी। ग्रेट हाउस, ब्यूटिफुल, बट इट्स इज नॉट स्पेसिफिकली व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। ऑब्वियसली वो फर्स्ट घर था, कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट। मीनवाइल, हाय गाइस, सो अभी हम रेस्टोरेंट में हैं, जहाँ पे रणवीर ने हमें बोला है वेट करने को जब तक वो लोग आते हैं। हमने टेबल फॉर 10 बुक किया है और हम सिर्फ चार जन बैठे हैं यहाँ पे। I am vibing a lot with this space, like on this little wood up here. I feel aesthetically we can do a lot here. Oh wow, okay, perfect. And it's got this nice peace and quiet kind of vibe. 1 hour later. Love with your body. Last night you were in my room. This row house is crazy, bro. Like I feel here. Ya bunk beds bana do. Pehle to ye vibe. Bombay mein kahan milti hai aisi vibe? Greenery. Peace. So the plan originally was like Ranveer would stay with one other person, but after seeing all the spaces, वो flash हो गया कि नहीं सब लोगों को साथ में रहना चाहिए। तो शायद जो हमारा अभी का स्पेस है, शायद वहाँ एक अलग सेक्शन रहेगी, टीम के एक अलग सेक्शन रहेगी। अभी के लिए बंगलो देखते हैं। Good energy.
आई थिंक ये ड्रीम घर मिल गया, बस जिम की कमी है तो वो शॉर्ट कर रहे हैं। भाई कह रहे हैं कि जिम है, भाई है ना? हाँ, सच बोल रहे हो ना? जिम है सर। We have been waiting here since 4 hours for you guys. You just enter. Imagine the amount of vlogs we've made. Lunch ke liye aa gaye hain ye sab. Jump form ji. Don't even try to vlog us. We are angry. We are purely angry. Tarini aur Aastha ji, Marwadi Power, Marwadi FC, ab kyun ja rahe ho? Kyunki hum thak gaye. We are tired of you. Did you have fun learning about real estate today? We just saw one flat, but okay. Yeah, but no, we did talk to Yashita. See, it was a real estate education vlog. So, enjoy, guys. ओके तो अभी अंधेरी के सारे घर देख लिए और अब बांद्रा के घर देखेंगे सलू भाई की एरिया में. See you later. See, you know, so a big reason I'm shifting out my current house because there's a lot of random construction happening, which I've realized is all over Bombay. वो देखो, ये आप Bombay. Vibe बहुत अच्छी है यहाँ की, positive vibe है, बांद्रा वाली vibe है. But just content wise, I can't get अंधेरी विजुअलाइजेशन आउट ऑफ माय हेड. आपको क्या लगता है? गो टू द नेक्स्ट वन. ठीक है, तो आप कह रहे हो कि यहाँ का व्यू सबसे बेस्ट रहेगा. बहुत बढ़िया रहने वाला है यहाँ का व्यू, फुल सी व्यू रहेगा. ये है बैंड स्टैंड का व्यू. यहीं कहीं सलमान जी रहते हैं, यहीं कहीं शाहरुख खान रहते हैं और यहाँ यहाँ हम रहते हैं. कोई सेंस है इस बात की? तो दोस्तों, अब तक के सबसे बेस्ट फ्लैट्स हमें मिले थे अंधेरी में, पर ये जगह है बांद्रा में और बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस फ्लैट मिला. आई फील कि यूजिंग आर्ट वी कैन डू अ लॉट हियर. तो देखो कितना स्पेशियस है, डेप्थ देख लो. ओह, थोड़ी फीलिंग आ रही है. ये डेफिनेटली थर्ड पॉसिबिलिटी है दिस बिल्डिंग. मे बी नॉट इवन थर्ड, मे बी सेकेंड. First priorities and the first place is on Andheri. This is the second because of the location. Yo guys, we'll have to go in lots, huh? Can't stop thinking about the Bandra house, can't stop thinking about the first house. So it's going in my head and apparently this is also a great option. Okay. Khatam. Now new vibe. Abhe yaar, this is so confusing. First one's in my head, dude. It's a nice place. It's got everything that you'd ask for. In the morning, we saw it. He walked in. He walked to the terrace. He's like, bro, I'm done. We're stopping. See, we can call it a day, Karan. I think we found it, dude. I think it's looking like the first house which we saw in the morning. Now, let's hug it out, bitch. Oh yeah. Like that. That's everyone. That's cool. I don't know what we do next. Good house hunting. Okay, decision time. Karan Bhatija bhai. Ji bhai. Real estate ke baare mein samjha do. Jab aap ghar khojne ja rahe ho khud ke liye. Jab ghar choose karne ja rahe ho. To kya kya factors dhyan mein rakhne chahiye? एक तो आपका बजट सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है. क्या है, रेंटल अपार्टमेंट्स में आपको हर महीना वो रकम भरना पड़ता है ऑन अ रिकरिंग बेसिस. जब भी आप घर खरीद रहे हो, अगर आप एक बार स्ट्रेच कर लो घर खरीदने के लिए, वो वन टाइम डिसीजन होता है. सेकेंड, गेट अ ग्रेट रियल एस्टेट ब्रोकर. ऑलवेज गेट अ ब्रोकर, प्रेफरेबली नॉट वन ऑनलाइन, बिकॉज देयर वेज ऑफ वर्किंग, देयर टैक्टिक्स विल नॉट सूट एवरीवन. इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू अप्रोच समवन यू नो. आई ऑल्सो फील कि आपको खुद को क्लैरिटी होनी चाहिए कि कैसा घर चाहिए, कैसा फ्यूचर चाहिए, नियर फ्यूचर, कि अगले 2-3 सालों के लिए आपको करना क्या है, आप घर क्यों ले रहे हो, आप घर कहाँ ले रहे हो. इन सब चीज़ों को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में और वो क्लैरिटी आपको कम्युनिकेट करनी चाहिए अपने ब्रोकर के साथ. जी, तो आई होप कि आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया हो. ये था हमारा पहला अडल्टिंग रियल एस्टेट एक्सपीरियंस KB की वजह से. थैंक यू KB. एंड ऑफकोर्स KB के लिंक्स हम पेस्ट किए नीचे. अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, सब्सक्राइब कीजिए, व्लॉग प्लेलिस्ट देखिए और KB से इन टच रहिए. See you soon. Thank you guys. Thank you, Ranveer. Thank you, bro.